के सामने रक्त से इनकार पर हवा की बेटी पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। लाहौर में खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, सर भी मुंड दिया गया है, जबकि औरत की जानिब से कहा गया है कि शोहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा है। मुतासिरा खातून ने यह मौकफ इख्तियार किया है, साथ ही साथ उसका कहना है कि पुलिस रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज कर रही है, ये इल्जाम भी आयद किया गया है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बेईमाना तशद्दुद किया गया है, जुल्म के पहाड़ ढा दिए गए हैं, शोहर के दोस्तों के सामने रक्त से इनकार करना ये इस बेटी हवा की बेटी का जुर्म बन गया है। हवा की बेटी पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, लाहौर में खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, जबकि शोहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा। मुतासिरा खातून ने पुलिस पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगाया है, जबकि आपको ये बताते चले मुल्जिम गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये वाकया लाहौर में पेश आया जहां पर शौहर के दोस्तों के सामने रक्त से इनकार पर हवा की बेटी पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। लाहौर में खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और खातून का सर मोड़ दिया गया, शौहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा। मुतासरा खातून की जानिब से पुलिस पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शोहर के दोस्तों के सामने रक्स करने से इनकार किया इस हवा की बेटी ने और उसके बाद शोहर ने जुल्म की इंतहा कर दी। हवा की बेटी का शोहर के दोस्तों के सामने ना नाचना जुर्म बन गया। लाहौर में खातून पर बेईमाना तशद्दुद सामने आया है, उसका सर मुंड दिया गया है, शोहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा है, जबकि मुतासरा खातून ने पुलिस पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया है। पुलिस की जानिब से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रही हैं लाहौर से, जहां रक्स ना करना शोहर के दोस्तों के सामने हवा की बेटी का जुर्म बन गया। खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, सर मुंड दिया गया, शोहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा। मुतासरा खातून का मौकफ सामने आया है, जबकि मुतासरा खातून ने पुलिस पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम भी आयद किया है। पुलिस की जानिब से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोहर के दोस्तों के सामने रक्त से इनकार किया था इस खातून ने और उसके बाद इस खातून पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। लाहौर में यह वाकया पेश आया है जहां पर खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसके शौहर की जानिब से उसका सर मोड़ दिया गया, शौहर ने उल्टा लटकाकर पाइपों से मारा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, थाना काना के इलाके में खातून पर शौहर और उसके दोस्त का मुबैना तशद्दुद का ये मामला है, जिस पर IG पंजाब अमजद जवेद सलीमी साहब ने भी नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन टीम को कहा था कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। खातून पर तशद्दुद करने वाले और बाल काटने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो मुलजमान में फैसल और राशिद शामिल हैं, जिन्होंने उस औरत के बाल काटे और उस पर मुबैना तशद्दुद किया। चूंकि अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन विंग काना की हिरासत में है, इनसे मजीद तफ्तीश जारी है कि किस वजह से इन्होंने इतना बड़ा जो मार्का किया, किस वजह से इस औरत के बाल काटे गए, इस पर चूंकि इन्वेस्टिगेशन विंग का ये कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है, थोड़ी ही देर बाद पता चल जाएगा, असल जो मुहरकात हैं वो सामने आएंगे। ये बताइएगा इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आ चुका है। जी देखिए, थोड़ी ही देर पहले तो पुलिस ने इन दोनों को, फैसल और राशिद को गिरफ्तार किया है और अभी ही थोड़ी ही देर पहले इनको लॉकअप बंद किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि अभी इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, क्योंकि ये वारदात के बाद भाग गए थे और इन्वेस्टिगेशन विंग ने इनका पीछा किया, उसने गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी देर बाद जब मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो तमाम असल मुहरकात सामने आ जाएंगे। जी मलिक मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा कि खातून की जानिब से पुलिस पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, खातून की तरफ से सुबह से चुके ये एक रिवायत भी बन गई है कि जिस शख्स पर तशद्दुद होता है या जो मगवी होता है वो हमेशा से इल्जाम आयद करता है। पुलिस का ये कहना है कि ऐसी कोई वाकया पेश नहीं आया, किसी ने रिश्वत नहीं ली, क्योंकि ये वाकया होने के बाद वाकया जो कि हाईलाइट भी हो गया था और IG पंजाब ने इसका नोटिस भी ले लिया था,
और फौरी तौर पर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग की ड्यूटी लगा दी गई थी कि फौरी तौर पर मुल्जमान को पकड़ा जाए, और इन्वेस्टिगेशन विंग सुबह से इसी काम में भागी हुई थी, और अब चूंकि वो कामयाब हो चुकी है, मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो अपने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिस वाले। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए है, आपको बता रही